Hi. So yeah, finally we are here. And first of all, we are extremely sorry for this delay. हमें पता है, but like we have received so many messages कि like videos नहीं आ रही हैं और गोवा होकर आ चुके हो, still videos नहीं आ रही हैं. But as you all know, due to this festive season and all, plus the tanning that we got from Goa, so अभी भी gradually जा रही है वो tanning, अभी भी properly गई नहीं है. तो मैं थोड़ा सा लाइक नर्वस थी कि मैं टैनिंग वाले फेस में कैसे वीडियो बनाऊंगी एंड ऑल. तो वो थोड़ा सा डिले हो गया, प्लस लॉट्स ऑफ वर्क. बट वी आर हेयर नाउ. एंड यस, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो हमारे पास इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, रिगार्डिंग द स्टे, रिगार्डिंग द ट्रैवल वाया फ्लाई. इट्स कॉमन फॉर एवरी वन, इट्स नॉट अबाउट गोवा ओनली. वो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अब देखने को मिलेंगी. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मतलब मुझे लग रहा है कि बेनिफिशियल होंगी. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट साक्षी रामपाल. एंड आप सब मेरे से पूछते हैं कि लाइक ऑलमोस्ट मेरे पास ये क्वेरी आती है कि आप अपने स्टे ऑप्शन कैसे चूज़ करते हो. तो आप सबको पता है कि अभी हम गोवा में अपने वेकेशन के लिए आए हुए हैं, टू सोलो सोल्स. सो अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. इंस्टेड ऑफ होटल्स, वी प्रेफर टू बुक अपार्टमेंट फॉर अ लॉन्ग स्टे. सो अभी आप देख सकते हो, मैं अभी एंट्री से आपको लेकर आई हूँ. एंड दिस इज़ आवर अपार्टमेंट C1. इट्स सिचुएटेड इन अरपोरा. अरपोरा बेसिकली इट्स अ मिड ऑफ नॉर्थ गोवा. मेरे को आए हुए यहाँ पे आज थर्सडे हो गया, थर्ड डे है. तो मेरा सामान आपको दिखेगा बीच में कुछ, बट मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कितने रीजनेबल प्राइस में मैंने ये 1 BHK जो है बुक करा है. तो इस अपार्टमेंट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप एयरबीएनबी से बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप होस्ट से बात करके भी बुक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 1 BHK का टूर. सो पहले मैं आपको इसके अपार्टमेंट के होस्ट के बारे में बताना चाहूँगी. एयरबीएनबी से मैंने ये अपार्टमेंट बुक किया था और होस्ट का नाम है मैंडी, जो बहुत ही फ्रेंडली है. गोवा के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं. वो खुद साउथ गोवा में स्टे करते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी वास्को, अरपोरा, सियोलिम और भी गोवा के बहुत सारे पार्ट्स में है. बेसिकली वो गोवा एयरपोर्ट पे काम करते हैं. ही लव स्पोर्ट्स और मैराथन, गोल्फ उन्हें बहुत पसंद है. और आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके घर में जो आपको जो चीज़ें होती हैं सब कुछ है. तो अगर आपको लॉन्ग स्टे के लिए आना है तो आई थिंक कि ये बेस्ट ऑप्शन है, जैसे हमारे लिए था. फॉर अ लॉन्ग स्टे हमारे पास वॉशिंग मशीन है ताकि हम अपने कपड़े धो सकें. रैक है जो बाहर बालकनी में था, मैं अंदर लेकर आई. उसके बाद हमारे आने से पहले होस्ट ने हमें ऑलरेडी खाने की सारी चीज़ें, क्योंकि हम लेट पहुंच रहे थे तो उन्होंने पहले से इंतज़ाम करके रखा. बहुत रीज़नेबल प्राइस में उन्होंने हमें दिया. और यहाँ से भी बालकनी है ड्राइंग रूम की. ये मेन एंट्रेंस गेट है जो मैंने आपको अब स्टार्ट किया था. तो पहला ही फ्लैट जो है वो उनका है यहाँ पे अपार्टमेंट. इंडक्शंस आपके पास हैं, केटल आपके पास है, माइक्रोवेव आपके पास है. अब आप हर चीज़ सामान नहीं ला सकते हो, तो ये शुगर, ग्लासेस, जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है. आपको सारे यूटेंसिल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आई मीन जो भी मेनली यूज़ होते हैं. और इंडक्शन वाले पूरे यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं. ऑल्दो हम अपना सामान कैरी करके लाए थे, बट स्टिल. तो अभी हम जैसे ये यहाँ से एंटर हुए थे, ये मेन डोर था. और ये आपके, अगर आप एंटर होते तो लेफ्ट साइड आपका किचन एरिया और डाइनिंग एरिया है. एंड अगर आप यहाँ से राइट होते हो तो दिस इज़ योर लिविंग रूम. एज यू कैन सी, दिस 1 BHK अपार्टमेंट इज़ टोटली स्पेशियस. हम यहाँ पे दो हैं, आई मीन टू सोलो सोल्स. आप यहाँ पे मतलब मेरे से पहले जो यहाँ पे फैमिली रह के गई थी वो 4 मेंबर्स थे. एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू हैव अ बालकनी.
प्लस द वेंटिलेशन इज सो गुड, आपको वहाँ पे किचन एरिया के वहाँ पे भी विंडो मिलेंगी, तो आप ओपन कर सकते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन है। यहाँ पर आपकी बालकनी है, रात को हम इसको नहीं खोलते, थोड़े मच्छर आ जाते हैं, बट एज यू कैन सी ये आप ही की पर्सनल, चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये पर्सनल बालकनी है आपकी, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पे। सी दिस इज ऑल ब्लॉक्ड हियर, दिस इज योर बालकनी, दिस एंड्स हियर। यू आल्सो गेट द पूल फैसिलिटी हियर, कल ही ये क्लीन होके इसमें वाटर फिल किया गया है, तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, बट आई डू ट्राई। नाउ इट्स टाइम टू शो यू द बेडरूम। ओके लेट मी क्लोज द डोर बिकॉज देर आर मॉस्किटोज ड्यू टू गार्डन एरिया। ऑल राइट नाउ वी कैन गो टू आर बेडरूम। सो ओके बिफोर बेडरूम आई विल शो यू द वॉशरूम। सो हियर इट इज, ओके सेकंड सोलो सब छुप गई है, कोई बात नहीं। तो टॉयलेटरीज आपको सारी प्रोवाइड होस्ट ने करी हुई है ऑलरेडी, बट हमारे पास अपनी थी तो हम अपनी यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप आते हैं तो वो आपको सब प्रोवाइड करेंगे, टिश्यू पेपर ईच एंड एवरीथिंग, इट्स नीट एंड क्लीन। ओके नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टूर ऑन आवर बेडरूम। सो दिस इज आवर बेडरूम, नीट एंड क्लीन। एंड अगेन इवन इन बेडरूम यू हैव टू वेंटिलेशन सिस्टम, द वन इज द बालकनी जो मैंने आपको वहीं से शो करी थी, एंड ये भी बालकनी है, और यहाँ से बाहर आपका जो गेट का राइट साइड वाला है वो वाला एरिया है। प्रॉपर आपको यहाँ पे कवर दिया गया है, तो इट्स जस्ट लाइक होम अवे फ्रॉम, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, प्रॉपर सीट, आर्ट, एसी आपको बेडरूम में भी मिलेगा, और मेरे आने से पहले उन्होंने बिल्कुल फ्रेश लिनन यहाँ पे मतलब बिछवाई थी केयरटेकर को बोल के, और साउथ गोवा से वो स्पेशली यहाँ पर आए थे सो दैट कि वो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करवा सके पूरे घर को। और आई एम रियली थैंकफुल टू मैंडी कि मतलब आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने सारी चीज़ें अरेंज करी, क्योंकि मैंने उनको पहले से ही अपनी कंडीशंस बताई थी कि मुझे नेट प्रॉपर चाहिए सो दैट आई वर्क फ्रॉम हियर, और कोरोना टाइम चल रहा है तो अपार्टमेंट की सैनिटाइजेशन तो उन्होंने खुद आके पूरा सैनिटाइज करवाया, एंड इट्स नीट एंड क्लीन। सो आप देख सकते हैं कि हमारा बेडरूम भी कितना स्पेशियस है, मतलब लिविंग रूम तो छोड़ो, यहाँ पे भी अगर आप दो गद्दे बिछवाओ तो आप सो सकते हो एसी वाले रूम में चार जने आराम से, और अगर आप ज़्यादा जने हो तो आप लिविंग रूम में भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि लिविंग रूम में भी आपका एसी है। एंड फैन आपको यहाँ मिलेगा, फिर फैन आपको किचन पे भी मिलेगा, इट्स वर्किंग, वॉशिंग मशीन टोटली ऑटोमेटिक है, हमने को प्रेस में देते हैं, आई मीन ऑफ प्रेस। सो इसका सारा जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो इफ़ यू प्लान फॉर गोवा फॉर लॉन्ग स्टे और जस्ट फॉर अ वीक लाइक अस, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मैट, ही इज़ अ फैंटेबुलस होस्ट, एंड इवन इन एयरबीएनबी
ई कोटा, आई मीन अगर आपने एयरबीएनबी से कभी बुक करी हो अपने स्टे ऑप्शंस, वहाँ पे एक होस्ट और एक सुपर होस्ट का ऑप्शन होता है। सुपर होस्ट जो होते हैं वो एक्सट्रीमली आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं अपने गेस्ट को, और मैंडी को सुपर होस्ट का टैग वहाँ पे मिला हुआ है। एंड वो चलता आ रहा है मतलब बहुत टाइम से मैंने देखा, रिव्यूज पढ़ के मैंने ये बुक किया था। और मैं बिल्कुल कहूँगी कि आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। सो कैसा लगा आपको अपार्टमेंट? अगर आपका भी कोई प्लान है गोवा में जाने का, बिकॉज नवंबर दिसंबर जनवरी इट्स पीक सीजन फॉर गोवा, और आपको भी जाना है और सेफ भी रहना है, प्रिकॉशन से भी रहना है, तो आप ये होस्ट को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैंडी को। और और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं गोवा से रिलेटेड, एज वी रिसेंटली केम फ्रॉम देयर, अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। So we always reply. Yes, we always reply. So keep hunting guys. Traveling start karo, but precautions ke saath. Humne bhi precautions ke saath kar di, aur we went back to Delhi and we are like safe, totally safe. Koi aise symptoms nahi hai, because humne Goa mein bhi precautions puri li thi. So karo, traveling start karo aur dikhao aap log kahan ja rahe ho ghoomne. Aur agar koi aisi jagah hai jahan pe two solo souls already hokar aa chuki hain, और उनसे रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ डू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल। टाटा।